हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी पाठशाला में। सीजीपीएससी पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं 15 से लेकर के 30 अप्रैल तक के छत्तीसगढ़ सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग को बता दूं कि हमारा छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 एवं बजट 2022-23 की बुक आपके नजदीकी बुक डिपो में अवेलेबल है। बुक डिपो की जानकारी आपको नीचे स्क्रीन पर शो हो जाएगी, साथ ही साथ आप इन बुक को हमारे सीजीपीएससी ई पाठशाला के मोबाइल ऐप में जाकर के ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। होम डिलीवरी के माध्यम से आपके घर तक ये बुक पहुंचाया जाएगा। साथ ही साथ हमारे सीजीपीएससी ई पाठशाला के द्वारा छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का स्पेशल ऑनलाइन बैच भी चलाया जा रहा है, जो कि 15 मई से शुरू होगा। इसका भी रजिस्ट्रेशन ओपन है। आप सीजीपीएससी ई पाठशाला के मोबाइल ऐप में जाकर के इस बैच के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। बैच शुरू होने वाला है आपके 15 मई से। चलिए शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ करंट अफेयर 15 से लेकर के 30 अप्रैल। देखिए, सबसे पहले नंबर पर है आपका खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव 2022। अभी हाल ही में खैरागढ़ विधानसभा सीट में हुए हैं आपके उपचुनाव। उपचुनाव क्यों हुए? क्योंकि ये जो खैरागढ़ विधानसभा सीट है, यहां के जो विधायक थे देवव्रत सिंह, जिनका लास्ट ईयर निधन हो गया। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से विधायक थे देवव्रत सिंह, जिनका लास्ट ईयर निधन हो गया। निधन होने के पश्चात ये खैरागढ़ विधानसभा सीट खाली थी। इस सीट पर हुए हैं आपके उपचुनाव, ठीक है। देखिए, इस खैरागढ़ विधानसभा सीट के विधायक थे स्वर्गीय देवव्रत सिंह, जो कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से विधायक चुने गए थे 2018 में जो चुनाव हुआ था। तो इस 2018 में हुए चुनाव में देवव्रत सिंह खैरागढ़ विधानसभा में विधायक बने थे, ठीक है। तो यहां पर हुआ है आपके उपचुनाव। इनके निधन के पश्चात खैरागढ़ विधानसभा सीट रिक्त थी, तो यहां पर हुआ है आपके उपचुनाव। यहां पर मतदान हुए, इस खैरागढ़ विधानसभा सीट के लिए मतदान हुआ 12 अप्रैल 2022 को, जबकि रिजल्ट आया 16 अप्रैल 2022 को, ठीक है। 12 अप्रैल 2022 को चुनाव हुए और 16 अप्रैल 2022 को यहां का रिजल्ट भी आया। देखिए, इस सीट पर विधायक चुनी गई आपकी यशोदा वर्मा, ठीक है। कांग्रेस की विधायक चुनी गई है आपकी यशोदा वर्मा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। वर्तमान में जो है आपके खैरागढ़ विधानसभा की विधायक कौन है? यशोदा वर्मा। किस पार्टी से बिलोंग करती है? ये जो है आपके कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करती है। देखिए, ये है आपकी यशोदा वर्मा, जो कि शपथ ले रही है। छत्तीसगढ़ परिधान, छत्तीसगढ़ वस्त्र वेशभूषा आभूषण पहन करके इन्होंने शपथ ग्रहण किया, और ये है आपके विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत जी के द्वारा इन्हें शपथ ग्रहण कराया गया। देखिए, विशेष बात क्या है कि ये जो है आपके यशोदा वर्मा, ये छत्तीसगढ़ विधानसभा में कांग्रेस की 71वां विधायक है, ठीक है। हमारे छत्तीसगढ़ में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 90। इन 90 सीटों में से आपके 71 सीटों में कांग्रेस का कब्जा है, ठीक है, कांग्रेस पार्टी का कब्जा है। और इस जीत के साथ विधानसभा में कांग्रेस की 71वीं विधायक चुनी गई, कौन? यशोदा वर्मा, ठीक है। देखिए, अब अगर हम आंकड़ों की बात करें तो छत्तीसगढ़ विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? 90 सीट। 90 में से 71 सीटों पर है कांग्रेस पार्टी, जबकि बीजेपी जो है ये 14 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, जो कि अजीत जोगी जी की पार्टी है, इनका जो है आपके 3 सीटों पर अजीत जोगी जी की पार्टी के विधायक है, और बसपा यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी के 2 विधायक है, ठीक है। तो ये जो है आपके यशोदा वर्मा के जीतने के पश्चात, खैरागढ़ विधानसभा में कांग्रेस की जीत के पश्चात, अब छत्तीसगढ़ विधानसभा सीट में आपके सबसे ज्यादा किसके विधायक मौजूद है? आपके कांग्रेस पार्टी के, ठीक है। देखिए, ये जो आपका मैप बना हुआ है, ये 2018 में हुए छत्तीसगढ़ असेंबली इलेक्शन यानी कि विधानसभा चुनाव के है, ठीक है। ये पुराना मैप है, इसमें क्या क्या चीजें चेंज हुई है ये अब हम देखेंगे। देखिए, जो 2018 में जो छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें कांग्रेस के टोटल आपके 68 विधायक थे, जबकि बीजेपी जो है बीजेपी के टोटल 15 विधायक थे। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के टोटल 5 विधायक थे, जबकि बीएसपी यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी के 2 विधायक थे। तो टोटल जो है आपके इस प्रकार से 90 विधायकों का डिस्ट्रीब्यूशन था 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के पश्चात। लेकिन 2018 से लेकर के अब तक हमारे छत्तीसगढ़ में कुल 4 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, ठीक है। 4 सीटों पे उपचुनाव हुए हैं। जो आप ब्लू कलर से देख रहे हैं, यहां पर आपके कांग्रेस पार्टी का कब्जा है। ये जो आपके ऑरेंज कलर में है, यहां पर है बीजेपी। डार्क ब्लू में है आपका बीएसपी यानी कि बहुजन समाजवादी पार्टी, और पिंक कलर में जो है वो है आपका जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, ठीक है। ये 2018 में ये जो डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है वैसा है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी को अगर 2022 कर दे, तो 2022 में क्या हो चुका है? यहां पर हो चुका है कांग्रेस पार्टी का 71, यहां पर जो है बीजेपी का हो चुका है 14, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का हो गया है आपका 3। ये अभी 2022 का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अब थोड़ा समझिएगा कहां कहां पर उपचुनाव हुए। यहां पर है आपका जनता कांग्रेस, देखिए यहां पर है आपका मरवाही सीट। मरवाही सीट में जो है, अब यहां मरवाही सीट में एक आपका उपचुनाव हुआ है
खैरागढ़ सीट में आपका उपचुनाव हुआ है, यहां पर दंतेवाड़ा सीट में उपचुनाव हुआ है और चित्रकूट सीट में उपचुनाव हुआ है। टोटल चार सीट है जहां पर आपका उपचुनाव हुआ है 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के पश्चात। ठीक है, मरवाही जो है जहां पर पहले जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ का विधायक था, यहां पर आपका उपचुनाव हुए। उपचुनाव का कारण क्या था? ये मरवाही सीट के विधायक थे आपके अजीत जोगी जी। ठीक है, अजीत जोगी जी का निधन हो गया, निधन के पश्चात मरवाही सीट खाली हुई और मरवाही सीट में फिर नए विधायक चुन करके आए आपके के ध्रुव। ठीक है, मरवाही सीट के जो आपके नए विधायक कौन है? के ध्रुव। उपचुनाव के पश्चात ये बने। ये किससे है? ये भी आपके कांग्रेस पार्टी से है। ठीक, खैरागढ़ विधानसभा सीट जिसमें हाल ही में चुनाव हुआ, यहां पर आपकी नई विधायक बनी कौन? यशोदा वर्मा। यशोदा वर्मा ये किससे है? ये भी आपके कांग्रेस पार्टी से है। पहले यहां पर कौन थे? देवव्रत सिंह, जिनका हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया, वो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ से थे। यहां पर है आपके दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा के विधायक थे आपके भीमा मंडावी। भीमा मंडावी जिनका नक्सलाइट यानी कि नक्सलवादियों के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी, जिसके पश्चात यहां पर भी आपके उपचुनाव हुए और दंतेवाड़ा की विधायक बनी थी आपके देवकी वर्मा। ठीक है, देवकी वर्मा। और जो आपका चित्रकूट है, चित्रकूट यहां का, यहां के विधायक थे आपके दीपक बैज जो कि आपके कुछ समय पश्चात लोकसभा के सांसद बन गए। सांसद बनने के पश्चात चित्रकूट विधानसभा सीट भी खाली हो गई थी और यहां पे आपका जो चित्रकूट विधानसभा सीट में भी जब उपचुनाव हुए तो यहां के विधायक बने थे आपके रामजन बेंजाम जो है यहां के विधायक बने। तो टोटल जो है अब ये इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, यानी कि टोटल चार विधानसभा सीट है। देवती कर्मा ये भी आपके कांग्रेस की है और ये जो आपके रामजन बेंजाम है ये भी कांग्रेस के हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आपकी 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के पश्चात अब तक टोटल कुल चार विधानसभा उपचुनाव हुए और चार विधानसभा उपचुनाव में कौन कौन से विधायक चुने गए इनको भी थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है खैरागढ़ छुई खदान गंडई। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा जो एक नए जिला छत्तीसगढ़ का 33वां जिला बनाए जाने की घोषणा की गई, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अभी जो हमने देखा खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव हुआ, इस विधानसभा जो उपचुनाव था इसका मेन हाईलाइट पॉइंट ही था आपके खैरागढ़ को एक नया जिला का दर्जा देना। ठीक है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा घोषणा किया गया था कि अगर इस खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव में अगर उनकी पार्टी जीती यानी कि कांग्रेस पार्टी जीती तो वो खैरागढ़ को एक नए जिले का दर्जा देंगे और हुआ भी वैसा ही। 16 अप्रैल 2022 को खैरागढ़ विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आए, देवती वर्मा विजयी हुई और 16 अप्रैल 2022 की ही संध्या को यानी कि शाम के समय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा घोषणा कर दिया गया कि खैरागढ़ छुई खदान गंडाई हमारे छत्तीसगढ़ का 33वां जिला बनेगा। घोषणा किया गया है, अभी बना नहीं है, सृजन हुआ नहीं है। ठीक है, देखिए ध्यान समझिएगा, ये जो आपका ये जो जिला होगा खैरागढ़ छुई खदान गंडाई, ये छत्तीसगढ़ का 33वां जिला होगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ का 33वां जिला होगा और इसकी घोषणा की गई थी आपके खैरागढ़ विधानसभा सीट के जो चुनाव परिणाम थे 16 अप्रैल 2022 को आया, उसी इवनिंग में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा घोषणा कर दिया गया था, जबकि राजपत्र में प्रकाशित हुआ आपके 18 अप्रैल 2022 को राजपत्र में प्रकाशित हुआ, जिसमें अभी दावा आपत्ति मंगाया गया है, यानी कि ये जो आपके नया जिला है इसके सीमाओं का निर्धारण कर दिया गया है और दावा आपत्ति मंगाया गया है। 7 दिन का समय है दावा आपत्ति के लिए, उसके बाद ये जो आपका जिला है ये अस्तित्व में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहां पर है आपका राजनांदगांव जिला। ध्यान समझिएगा, ये जो राजनांदगांव जिला है, राजनांदगांव जिले का सृजन हुआ था वर्ष 1973 में दुर्ग से पृथक होकर के एक नया जिला बना था आपका राजनांदगांव। ठीक है, अब देखिए उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा 15 अगस्त 2021 को घोषणा किया गया था चार नए जिलों के सृजन का। ठीक है, उन चार नए जिलों में से एक ये भी था मोहिला मानपुर अंबागढ़ चौकी। और अब आपके 16 अप्रैल 2022 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा घोषणा किया गया है कि खैरागढ़ छुई खदान गंडई एक नया जिला बनाया जाएगा। ठीक है, तो टोटल इस प्रकार से इस जिले का आपका विभाजन हुआ। ठीक, अब देखिए इस नए जिले के अंतर्गत क्या क्या होगा। इस प्रस्तावित जिले, ये जो आपका खैरागढ़ छुई खदान गंडई है, इस जिले में टोटल ग्राम की संख्या, गांव की संख्या होगी 494, जबकि ग्राम पंचायतों की संख्या होगी 221। इसके अंतर्गत दो उपखंड होंगे खैरागढ़ और छुई खदान, जबकि तहसीलों की संख्या है 3, खैरागढ़ छुई खदान और गंडई। नगर पालिका की संख्या है 1,
वो है आपका खैरागढ़, जबकि दो नगर पंचायत है आपका छुई खदान और गंडाई। ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा 16 अप्रैल 2022 को एक और घोषणा किया गया था कि आपके साल्हेवारा को एक नया तहसील बनाया जाएगा। अगर ये साल्हेवारा नया तहसील बनता है तो यहां पर तहसीलों की संख्या 3 से बढ़कर के हो जाएगी 4, यानी कि खैरागढ़, छुई खदान, गंडाई और साल्हेवारा। ठीक है, अभी केवल घोषणा किया गया है, इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर इसको भी देखिए, अगर हम देखें तो ये जो नया जिला है यहां पर इसका क्षेत्रफल भी दिया गया है, आबादी भी दिया गया है, आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन मैप को थोड़ा सा अपने माइंड में रखिएगा कि किस प्रकार से विभाजन हुआ। सबसे पहले दुर्ग से विभाजित होकर राजनांदगांव बना, राजनांदगांव से विभाजित होकर 15 अगस्त 2021 को मोहिला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी नए जिले बनाए जाने की घोषणा की गई, और उसके बाद खैरागढ़, छुई खदान, गंडाई का आपका 16 अप्रैल 2022 को इसकी घोषणा की गई। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है ये है आपका खैरागढ़, छुई खदान, गंडाई का नक्शा। यहां पर अगर हम मैप को देखें तो देखिए ये है आपका उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये है आपका पश्चिम। ठीक, इसके अगर हम सीमाओं की बात करें तो इधर है आपका पूर्व दिशा, तो पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा की ओर जो खैरागढ़, जो आपका खैरागढ़, छुई खदान, गंडाई जो नया जिला बनेगा, इसकी सीमा आपका साजा तहसील बेमेतरा और आपका साजा तहसील बेमेतरा और साथ ही साथ आपका धमधा तहसील दुर्ग के साथ आपका सीमा साझा करेगा। जबकि अगर हम बात करें आपके उत्तर दिशा की, तो उत्तर दिशा में ये कवर्धा कबीरधाम जिले के कवर्धा के साथ सीमा साझा करेगा। अगर हम बात करें पश्चिम दिशा की, तो पश्चिम दिशा में यहां पर है आपका राज्य मध्य प्रदेश राज्य के लांजी तहसील जो कि बालाघाट जिला के अंतर्गत आता है, लांजी तहसील मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करेगा पश्चिम दिशा में। अगर हम दक्षिण दिशा की बात करें तो दक्षिण दिशा में यहां पर है आपका राजनांदगांव जिले का डोंगरगढ़ तहसील और आपका राजनांदगांव तहसील ये दोनों के साथ आपका सीमा साझा करेगा। तो पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इधर है आपका पूर्व में ये आपका बेमेतरा जिला के साजा और दुर्ग जिले के धमधा के साथ, उत्तर दिशा में कवर्धा जिले के कवर्धा तहसील के साथ, दक्षिण दिशा में राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ और राजनांदगांव तहसील के साथ, और पश्चिम दिशा में मध्य प्रदेश राज्य के बालाघाट जिले के लांजी तहसील के साथ सीमा साझा कर रहा है। ठीक है, अगर आप यहां पे, अगर आपको मैप में दिख रहा होगा तो देखिए यहां पर यह है आपका खैरागढ़, यहां पर मौजूद है आपका छुई खदान और ये है गंडई। ठीक है, ये 3 तहसील है। अभी वर्तमान में सालेवारा तहसील बनेगा तो वो 4th तहसील बन जाएगा। ये थोड़ा सा मैप यहां पे दर्शाया गया है। देखिए यहां पर 2 उपखंड है, एक खैरागढ़ उपखंड और ये है आपका छुई खदान उपखंड, जिसमें से आपके मध्य प्रदेश के साथ जो सीमा साझा कर रहा है ये सभी के सभी है आपका रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है, ये सभी के सभी है आपका रिजर्व फॉरेस्ट। और भी आगे हम डिटेल में देखेंगे जब इसका मैप का एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके शशांक सिंह जो हाल ही में काफी चर्चा में रहे। देखिए शशांक सिंह, जब इस शशांक सिंह के बारे में हम करंट अफेयर में पहले ही पढ़ चुके हैं। शशांक सिंह जो कि छत्तीसगढ़ के क्रिकेटर है, ठीक है, एक ऑलराउंडर क्रिकेटर है। अभी आईपीएल 2022 में सनराइजर्स हैदराबाद के द्वारा 20 लाख रुपए के बेस प्राइस में इन्हें खरीदा गया। यह है आपके शशांक सिंह जो कि आईपीएल 2022 में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम से खेल रहे हैं। देखिए हाल ही में चर्चा में, न्यूज में कब आए शशांक सिंह आईपीएल 2022 में अब तक के सबसे तेज गेंदबाज या सबसे तेज गेंद फेंकने वाले लॉकी फर्ग्यूसन जो कि गुजरात टाइटंस टीम के बॉलर है के ओवर में लगा छक्के जड़े। ठीक है, काफी रोमांचक मैच था। अंतिम ओवर में इन्होंने, जो गुजरात टाइटंस टीम के जो बॉलर थे लॉकी फर्ग्यूसन, जो कि आईपीएल 2022 में अब तक सबसे तेज गेंद फेंकने वाले बॉलर है, उनकी गेंद पर इन्होंने लगातार 3 छक्के जड़े 3 सिक्स मारे, हैट्रिक मारा सिक्स का। ठीक है, जिसके कारण ये काफी चर्चा में आए। इन्होंने 6 गेंदों में 25 रनों की तूफानी पारी खेली। ठीक, देखिए ये जो आपके शशांक सिंह है छत्तीसगढ़ के भिलाई
छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर के रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर के रहने वाले शशांक सिंह जो कि ऑलराउंडर क्रिकेटर है, इससे पहले भी इन्हें वर्ष 2018 में दिल्ली कैपिटल्स टीम में दिल्ली कैपिटल्स टीम के लिए टीम के द्वारा इन्हें खरीदा गया था, यानी कि दिल्ली कैपिटल टीम के हिस्सा थे। वर्ष 2019 में शशांक सिंह को राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा था और 2021 में भी ये राजस्थान रॉयल्स टीम में ही थे, यानी कि उन्हें रिटेन किया गया। लेकिन दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल टीम में होने के बावजूद इन्हें अब तक खेलने का मौका नहीं मिला था। 2022 में इन्हें 20 लाख रुपए के बेस प्राइस में सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा। इस बार इन्हें खेलने का मौका मिला और आईपीएल के इतिहास में अब तक के, यानी कि आईपीएल 2022 में अब तक सबसे तेज गेंद फेंकने वाले बॉलर लॉकी जो कि गुजरात टाइटंस के है, उनके गेंद पर इन्होंने लगातार 3 छक्के जड़े और न्यूज में आ गए, काफी हाईलाइट में आए थे। तो नाम याद रखिएगा, शशांक सिंह जो कि छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर के रहने वाले है, ये वर्तमान में किस टीम से खेल रहे हैं, सनराइजर हैदराबाद, और किस टीम के विरुद्ध इन्होंने 3 छक्के जड़े हैं, वो है आपकी गुजरात टाइटंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी नंदीराज। अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे जो प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है ये है आपका गौरालाटा। ठीक है, बलरामपुर जिले के में स्थित गौरालाटा हमारे प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन हाल ही में एक भूगोलविद प्रोफेसर पीएल चंद्राकर के द्वारा दावा किया जा रहा है कि प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है आपकी नंदीराज। ठीक है, प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी नंदीराज का होने का दावा किया जा रहा है। देखिए, गौरालाटा जो कि मौजूद है आपके बलरामपुर रामानुजगंज लहसुन पाट में, तो जो भूगोलविद है प्रोफेसर पीएल चंद्राकर, उन्होंने अपने दावा के रूप में जो रेफरेंस दिया है, जो प्रमाण दिया है, वो प्रमाण के तौर पर उन्होंने सर्वे ऑफ इंडिया धरातल प्रपत्र देहरादून, यानी कि देहरादून के द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला धरातल प्रपत्र और सैटेलाइट इमेज के माध्यम से वे ये दावा कर रहे हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा चोटी आपका गौरालाटा नहीं है, यह है आपका नंदीराज। ठीक है, तो ये तीनों रेफरेंस, तीनों प्रमाण के द्वारा उन्होंने यह बताया है कि बलरामपुर रामानुजगंज के लहसुन पाट में स्थित जो गौरालाटा चोटी है, गौरालाटा चोटी उसकी ऊंचाई है 1244 मीटर, जबकि बैलाडीला, दंतेवाड़ा जिला के बैलाडीला की पहाड़ियों की जो चोटी है आपकी नंदीराज, उसकी ऊंचाई है आपका 1267 मीटर, यानी कि लगभग 23 मीटर अधिक है आपके किससे, गौरालाटा से। देखिए, अभी इसको हमको याद नहीं करना है, ये न्यूज है, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। अभी प्रोफेसर पीएल चंद्राकर के द्वारा इसे अप्रूव किए जाने के लिए एक मसौदा बना करके राज्य सरकार को भेजा गया है। अगर राज्य सरकार भी सहमत होती है इनके द्वारा पेश किए गए प्रूफ से, या जो इनके द्वारा इनके मसौदा को अगर वो अप्रूव कर देता है, तो ये आंकड़ा आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल न्यूज में है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। भूगोलविद प्रोफेसर पीएल चंद्राकर के द्वारा दावा किया गया है, सर्वे ऑफ इंडिया धरातल प्रपत्र देहरादून और सैटेलाइट इमेज के माध्यम से उन्होंने बताया कि बलरामपुर रामानुजगंज के लहसुन पाट में स्थित जो गौरालाटा चोटी है, जिसकी ऊंचाई है आपका 1244 मीटर, बैलाडीला की पहाड़ी दंतेवाड़ा की जो चोटी है आपकी नंदीराज, उसकी ऊंचाई है आपके 1267 मीटर, इस प्रूफ के साथ उन्होंने बताया कि प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है आपकी नंदीराज। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने एक अन्य दावा भी किया है कि जो मैकाल श्रेणी है, मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है आपका राजमेढ़गढ़। ठीक है, गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही में स्थित है आपका राजमेढ़गढ़, जिसकी ऊंचाई है आपका 1131 मीटर। वैसे तो ये शायद हो नहीं सकता, क्योंकि जो अभी वर्तमान में हम क्या पढ़ते आ रहे हैं, इसकी मैकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है आपका बदरगढ़। ठीक है, बदरगढ़, जिसकी ऊंचाई है आपका 1176 मीटर। अब देखते हैं कि इनके द्वारा और आगे क्या एविडेंस पेश किया जाता है। देखिए, ये केवल करंट में याद रखने के लिए है कि जो प्रोफेसर पीएल चंद्राकर है, उनके द्वारा दावा किया जा रहा है। थोड़ा न्यूज को ध्यान में रखिए, अगर अप्रूव होता है तब हमको ये आंकड़ा याद करना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल इसे ध्यान में रखना है, इसे रटते मत बैठिएगा या नंदीराज को टिक करके मत आइएगा। ठीक है, अभी अप्रूवल के लिए भेजा गया है, अप्रूव्ड हुआ नहीं है। ठीक है, ये है आपके पीएल चंद्राकर जो कि सैटेलाइट इमेज दिखा रहे हैं अपने छात्रों को। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका दतराम गुफा। दतराम गुफा जो कि कबीरधाम जिले के पंडरिया के अंतर्गत देवसरा गांव में स्थित है, यहां पर चुना पत्थरों की आकृतियां बनी हुई है जो कि विभिन्न देवताओं, शंख, नारियल, बिल्व पत्र जैसी दिखती है। ठीक है, यहां पर जो है आपके चूना पत्थर से बहुत सारी आकृतियां बनी हुई है। ये आकृतियां जो कि अलग अलग देवी देवताओं, यानी कि शंख, यहां पे जो है एक गणेश,
जो चूने से बनी जो आकृति है जिसमें गणेश जी का प्रतिरूप झलकता है। इसके अलावा शंख, नारियल, बिलपत्र जैसी इसमें प्रतिकृति दिखाई देती है। गुफा के भीतर एक प्राकृतिक बावड़ी भी मौजूद है। प्राकृतिक बावड़ी का मतलब गुफा के अंदर जाएंगे तो वहां पर एक कुआं टाइप का बना हुआ है जिसमें हमेशा पानी भरा रहता है। ठीक है, इसमें 12 मासी पानी भरा रहता है। पानी की मौजूदगी के कारण अंदर काफी दलदल रहता है। ध्यान दीजिएगा, दावा किया जा रहा है कि यह देश का एक लौता ऐसा गुफा है जो चोटी से जमीन के अंदर तक सीधी जाती है। यानी कि ऐसे पहाड़ है तो पहाड़ में चढ़ने के पश्चात यहां पर गुफा का द्वार है और वो वर्टिकली सीधा यहां पर प्रवेश करना पड़ता है इस गुफा में। तो यही कहा जा रहा है कि देश का एक लौता ऐसा गुफा है जो चोटी से जमीन तक अंदर सीधी जाती है। ठीक है, ये जो गुफा है ये गुफा लगभग आपके 300 फीट गहरी है। गुफा 300 फीट गहरी है। इतना डिटेल में हमको नहीं जानना है, बस आप ये याद रखिएगा कि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि दत्तराम गुफा या फिर देवसरा गुफा, इसे दत्तराम गुफा भी बोल सकता है या फिर देवसरा गुफा ही बोल सकता है, ये किस जिले में है, ये मौजूद है आपके कबीरधाम जिले में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आकर्षी कश्यप। आकर्षी कश्यप कौन है? ये हमारे प्रदेश की एक स्टार बैडमिंटन प्लेयर है, बैडमिंटन खिलाड़ी है। हाल ही में चर्चा में क्यों आई, इनका जो है ये जो आपके आकर्षी कश्यप है ये कॉमनवेल्थ गेम्स में पीवी सिंधु के साथ टीम इंडिया के लिए इनका चयन हुआ है। ठीक है, जुलाई में आपके कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं, इस कॉमनवेल्थ गेम में पीवी सिंधु के साथ टीम इंडिया में इनका चयन हुआ है। ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट बात, प्रदेश की यह पहली खिलाड़ी है जिन्हें वुमन सिंगल बैडमिंटन में इंडिया के लिए चुना गया है। ठीक है, प्रदेश की पहली खिलाड़ी, पहली बैडमिंटन खिलाड़ी जिन्हें वुमन सिंगल बैडमिंटन के लिए चुना गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। उपलब्धि क्या है, देखिए, ये जो आकर्षी कश्यप है इनका आपका ऑल इंडिया रैंक है 1, जबकि वर्ल्ड रैंकिंग है इनका 51। अब तक इन्होंने 52 गोल्ड मेडल, 23 सिल्वर मेडल और 18 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। काफी चर्चा में रहती है आकर्षी कश्यप, इनका नाम याद रखिएगा। आकर्षी कश्यप जो हाल ही में चर्चा में क्यों रही, क्योंकि इनका कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए चयन हुआ है। प्रदेश की पहली खिलाड़ी जो कि वुमन सिंगल बैडमिंटन में टीम इंडिया के लिए चुनी गई है हमारे प्रदेश से। इनका ऑल इंडिया रैंक 1 है, वर्ल्ड रैंकिंग इनका 21 है। इनका टारगेट है कि इस साल यानी कि 2022 में ये जो 51 की जो रैंकिंग है इसे ये करना चाह रही है आपके अंडर 25 यानी अंडर 25 बैडमिंटन प्लेयर्स में जो इंटरनेशनल रैंकिंग है उसमें ये आना चाह रही है। तो इनकी उपलब्धि को याद रखिएगा और ये थोड़ा सा डाटा को याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्लास्टिक पार्क। हाल ही में प्रदेश सरकार के द्वारा रायपुर जिले के सरोरा में 32 एकड़ भूमि पर आपके नया प्लास्टिक पार्क आपका प्रस्तावित है। देखिए, ये जो आपका इस नए प्लास्टिक पार्क के लिए मंजूरी प्रदान की गई केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा, इस केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा पूरे देश भर में 10 प्लास्टिक पार्क स्थापित किए जाने की मंजूरी दी गई है। इस 10 में से हमारे छत्तीसगढ़ के रायपुर के सरोरा में 32 एकड़ पर प्लास्टिक पार्क प्रस्तावित है। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है। ये जो आपका प्लास्टिक पार्क है, ये प्लास्टिक पार्क योजना 2019 के तहत इसे विकसित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश, असम, तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड, उत्तराखंड में भी आपके प्लास्टिक पार्क बनाए जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि प्रदेश का नया प्लास्टिक पार्क किस स्थान में प्रस्तावित है, तो सरोरा में प्रस्तावित है। लगभग आपका 32 एकड़ में जो है आपका ये प्लास्टिक पार्क बनाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका राष्ट्रीय जनजाति साहित्य महोत्सव। राष्ट्रीय जनजाति साहित्य महोत्सव जिसका पहला संस्करण था, इस बार जो आपका राष्ट्रीय जनजाति साहित्य महोत्सव हुआ, यह हुआ आपका 3 दिवसीय महोत्सव था, जो कि 19 से लेकर के 21 अप्रैल तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर में यह महोत्सव आयोजित हुआ। ठीक है, ये जो महोत्सव है यह इसका पहला संस्करण था। देखिए, कहने के लिए तो ये साहित्य महोत्सव था, लेकिन इसमें सभी कुछ हुआ। सभी कुछ का मतलब इसमें आपका राज्य स्तरीय जनजाति नृत्य महोत्सव, नृत्य भी हुआ महोत्सव, एवं राज्य स्तरीय जनजाति कला चित्रकला प्रतियोगिता के विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। सरकार ने यहाँ 16 बोली व भाषाओं की पुस्तकें प्राइमरी स्कूल में शामिल की। देखिए, यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा ये बात बताई गई कि हमारे प्रदेश में 16 बोली एवं भाषाओं की पुस्तकें प्राइमरी स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल है।
ठीक है। स्थानीय बोली का मतलब जो आपका हल्बी हो गया, गोड़ी हो गया, इस प्रकार से जो आपका 16 स्थानीय बोली और भाषाएं है, इसकी पुस्तकें आपके प्राइमरी स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल है। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी उपलब्धि बताई कि बस्तर में बादल एकेडमी के नाम से एक संस्था संचालित है जो कि लोक कला एवं संस्कृति को संरक्षण करने का कार्य कर रही है। ठीक है, तो ये है आपके हमारे प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम। ठीक है, तो ये जो आपका जो महोत्सव हुआ इसमें राष्ट्रीय जनजाति साहित्य महोत्सव, कला एवं चित्रकला प्रतियोगिता, नृत्य महोत्सव तीनों हुआ। आपको बस याद रखना है कि राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव जिसका प्रथम संस्करण था, ये 3 दिवसीय महोत्सव था जो कि 19 से लेकर के 21 अप्रैल तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में इसका आयोजन हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका माटी तिहार। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज यही कि माटी तिहार जो है ये आपके किस माह में मनाया जाता है, ये मनाया जाता है आपके चैत्र माह में। ठीक है, चैत्र माह में मनाया जाता है आपके माटी तिहार। माटी तिहार का मतलब होता है आपकी मिट्टी की पूजा कर अच्छी फसल के लिए धन्यवाद अदा करना। ठीक है, मिट्टी की पूजा कर उस मिट्टी को अच्छी फसल के लिए धन्यवाद अदा करने के लिए माटी तिहार मनाया जाता है। ये माटी तिहार आपके चैत्र माह में मनाया जाने वाला एक दिवसीय पर्व है, एक ही दिन मनाया जाता है चैत्र माह के किसी भी दिन। मूलतः आदिवासियों का त्यौहार होने के बावजूद स्थानीय जातियां इस रिवाज से जुड़े हुए हैं जिसे गांव के गायता पुजारी समुदाय के सभी लोग मिल करके मनाते हैं। इस दिन मिट्टी संबंधित किसी भी प्रकार का कोई भी कार्य नहीं किया जाता, जैसे कि मिट्टी खोदना, खेतों में हल चलाना इत्यादि। तो ये जो माटी तिहार है ये किस माह मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। माटी तिहार मनाया जाता है आपके चैत्र माह में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय मलखंब हैंडस्टैंड प्रतिस्पर्धा मुंबई। मुंबई में आयोजित हुआ था आपके राष्ट्रीय मलखंब हैंडस्टैंड प्रतिस्पर्धा, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, जिसमें पूरे देश भर में से 5 खिलाड़ियों का चयन हुआ था और उन 5 खिलाड़ियों में से हमारे छत्तीसगढ़ के 2 खिलाड़ी थे, एक थे आपके राकेश वर्धा और दूसरे थे राजेश कोर्राम, जो कि दोनों के दोनों आपके नारायणपुर से है। तो इस आपके प्रतिस्पर्धा में राकेश वर्धा जो इस प्रतिस्पर्धा में प्रथम स्थान हासिल किया और राजेश कोर्राम जिन्होंने द्वितीय स्थान हासिल किया, यानी कि राकेश वर्धा को इसमें मिला आपका गोल्ड मेडल जबकि आपके राजेश कोर्राम को मिला इसमें सिल्वर मेडल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देखिए, जो राकेश वर्धा है ये है आपके राकेश वर्धा ने मलखम हैंड स्टैंड प्रतिस्पर्धा में 1 मिनट 6 सेकंड का शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे भारत में एक नया रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी शामिल हो गए। ठीक है, इन्होंने जो है शानदार प्रदर्शन किया, 1 मिनट 6 सेकंड का हैंडस्टैंड प्रतिस्पर्धा में उन्होंने 1 मिनट 6 सेकंड का शानदार प्रदर्शन करते हुए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज किया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये है आपके राकेश वर्धा और ये है आपके राजेश कोर्राम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके कुटुमसर गुफा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखिए, जो कुटुमसर गुफा जो कि मौजूद है आपके बस्तर जिले के कांगेर घाटी नेशनल पार्क में मौजूद है, ये जो कुटुमसर गुफा है इसकी खोज हुई थी आपके वर्ष 1950 में इस गुफा की खोज हुई थी, जिसकी लंबाई है आपका 4,500 फीट लंबी। ठीक है, इसको थोड़ा सा एक नजर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, भारत की सबसे गहरी गुफा मानी जाती है, ये जो कुटुमसर की गुफा है ये भारत की सबसे गहरी गुफा मानी जाती है, जो कि आपसे 120 फीट गहरी तथा इसकी लंबाई है आपका 4,500 फीट। इस कुटुमसर गुफा की तुलना विश्व की सबसे लंबी गुफा कार्ल्सवाल ऑफ केव अमेरिका में स्थित कार्ल्सवाल ऑफ केव से भी की जाती है। ठीक है, ये प्रश्न पूछ सकता है, वैसे बहुत से बुक में भी लिखा हुआ है कि जो कुटुमसर गुफा की जो तुलना है ये विश्व की सबसे लंबी गुफा जो कि अमेरिका में स्थित है कार्ल्सवाल ऑफ केव से की जाती है। ठीक है, इस गुफा की खोज वर्ष 1950 के दशक में भूगोल के प्रोफेसर थे डॉक्टर शंकर तिवारी, ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, कुटुमसर गुफा की खोज किसने की थी, डॉक्टर शंकर तिवारी ने स्थानीय आदिवासियों की सहायता से की थी। इस गुफा में जो है रंग बिरंगी अंधी मछलियां पाई जाती है, ये भी प्रश्न आया था कि हमारे प्रदेश के किस स्थान पर रंग बिरंगी अंधी मछलियां पाई जाती है, तो वो है कुटुमसर की गुफा में, जिन्हें प्रोफेसर के नाम पर ही इन मछलियों को नाम दे दिया गया है, कंपी ओला
शंकराई मछली, ठीक है। चूना पत्थर के रिसाव से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की रासायनिक क्रिया से यहां पर सतह से लेकर के छत तक प्राकृतिक संरचनाएं बनी हुई है, यानी कि जो आपके चूना पत्थर और पानी का मिक्सचर जो जो कि गुफाओं के छत से टपकता है और टपकने के दौरान सूख करके ये जो है आपका ठोस हो जाता है, उसकी बात की जा रही है, ठीक है। सतह से लेकर के छत तक यहां पर प्राकृतिक संरचनाएं बनी हुई है। इस गुफा को पहले देखिए, जो कुटुम्बसर की गुफा है, इस कुटुम्बसर की गुफा को पहले गोपनसर गुफा, ठीक है, कुटुम्बसर की गुफा को पहले गोपनसर गुफा कहते थे, जो बाद में कुटुम्बसर गांव के नजदीक होने के कारण कुटुम्बसर गुफा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो यह भी एक प्रश्न है, बन सकता है कि कुटुम्बसर गुफा को किस नाम से जाना जाता था, तो गोपनसर गुफा के नाम से जाना जाता था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब हाल ही में जो कुटुम्बसर की गुफा चर्चा में क्यों आया, क्योंकि कुटुम्बसर गुफा के भीतर 400 मीटर लंबी नई गुफा की खोज हुई है। हाल ही में जो है 400 मीटर लंबी नई गुफा की खोज हुई है, यह है आपका वो खोजा गया नया गुफा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगले महीने से यहां पे ट्रैकिंग एडवेंचर शुरू हो जाएगा। खड़ी है ये जो गुफा है, ये खड़ी है कुटुम्बसर के भीतर 400 मीटर लंबी आपकी नई गुफा की खोज हुई है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका तेंदुपत्ता संग्रहण। देखिए तेंदुपत्ता जिसे हरा सोना की भी संज्ञा दी जाती है, हरा सोना की संज्ञा क्यों दी जाती है, आगे मैं बताता हूं। देखिए इसका जो तोड़ाई है, ये तोड़ाई शुरू हो रहा है आपके 25 अप्रैल से बस्तर संभाग में इस तेंदुपत्ता को तोड़ने और संग्रहण करने का कार्य शुरू हो रहा है। हमारे प्रदेश में तेंदुपत्ता संग्राहकों को प्रति मानक बोरा 4,000 रुपए दिया जाता है, प्रति मानक बोरा 4,000। ध्यान दीजिएगा, जो आपका एक मानक बोरा है, एक मानक बोरा तेंदुपत्ता में, एक मानक बोरा तेंदुपत्ता में टोटल 50,000 तेंदुपत्ते रखे जाते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, यह भी आपको याद रखना है कि तेंदुपत्ते के एक मानक बोरे में कितने तेंदुपत्ते रखे जाते हैं, 50,000 तेंदुपत्ता। तो जो आपका प्रति मानक बोरा पारिश्रमिक जो प्रदान किया जा रहा है वो है आपका 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा, ठीक है। जो इस साल जो ये मानक जो आपका तेंदुपत्ता संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है 15 लाख मानक बोरा संग्रहण, ठीक है, 15 लाख, यानी कि 2022-23 में इसके संग्रहण का लक्ष्य रखा गया 15 लाख मानक बोरा, जबकि पिछले वर्ष यानी कि वर्ष 2021-22 में 13.5 लाख मानक बोरा का संग्रहण किया गया है। हमारा जो छत्तीसगढ़ है, हमारा छत्तीसगढ़ तेंदुपत्ता संग्रहण के मामले में आंध्र प्रदेश के बाद दूसरे स्थान पर आता है, यानी कि सर्वाधिक जो तेंदुपत्ता का जो उपज है और सर्वाधिक तेंदुपत्ता का जो संग्रहण होता है ये होता है आपके आंध्र प्रदेश में, जबकि हमारा छत्तीसगढ़ इस तेंदुपत्ते के मामले में सेकंड स्थान पर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इस पोजीशन को भी याद रखिएगा। देखिए इसे हरा सोना की संख्या क्यों दी जाती है, क्योंकि देखिए इसका पारिश्रमिक कितना है, लगभग 4,000 रुपए प्रति मानक बोरा, यानी कि इसको संग्रहण करके ज्यादा मात्रा में संग्रहण करके अगर इसे बेचे तो सोने चांदी के बराबर के मूल्य इससे मिलते हैं, इसे बेच करके मिलते हैं, इस कारण से इसे हरा सोना की संज्ञा दी जाती है। देखिए इसे जो है तेंदुपत्ता संग्रहक इसे तोड़ करके 50-50 का फड़ बना करके इसे सुखाते हैं, ठीक है, एक फड़ में जो है आपके टोटल 50 तेंदुपत्ते होते हैं और उस 50 तेंदुपत्ते का जो है मानक बोरा में लगभग 10,000 फड़ रखा जाता है, तो 10,000 फड़ यानी कि टोटल कितना हो गया 50,000, तो एक मानक बोरे में जो है आपके 50,000 तेंदुपत्ते। ये भी कम से कम पीएससी में 2 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन कि तेंदुपत्ते के एक मानक बोरे में कितने तेंदुपत्ते रखे जाते हैं, तो टोटल कितने हैं आपके 50,000 तेंदुपत्ते रखे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सिखों का प्रदेश में सबसे बड़ा तीर्थ स्थान, ये कहां पर है, ये है आपके गढ़ फुलझर में, महासमुंद जिले के बसना के समीप मौजूद है आपके गढ़ फुलझर। गढ़ फुलझर एक गांव है जिसे नानक सागर गांव के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इसे जो है आपके नानक सागर गांव के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो सिखों के जो पहले गुरु थे गुरु नानक साहेब, वो गुरु नानक साहेब अमरकंटक से जगन्नाथपुरी की यात्रा के दौरान, जो कि इनकी प्रथम यात्रा थी, इस दौरान ये हमारे छत्तीसगढ़ के इस गढ़ फुलझर वाले गढ़ फुलझर वाले गांव से होकर गुजरे थे और इस गढ़ फुलझर में उन्होंने दो दिन यहां पर विश्राम भी किया था। देखिए जो गुरु नानक साहेब थे, इन्होंने अपने जीवन काल में टोटल 5 यात्राएं की थी, ठीक है, टोटल 5 यात्रा, प्रथम यात्रा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम, 5 यात्रा की थी, जिसमें उन्होंने 2800 से अधिक किलोमीटर का यात्रा या सफर उन्होंने तय किया था। तो अमरकंटक से जगन्नाथपुरी की यात्रा के दौरान वो इस छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र से होकर गुजरे थे और इस महासमुंद जिले के बसना में स्थित जो गढ़ फुलझर है यहां पर इन्होंने 2 दिन विश्राम किया था, ठीक है। तो देखिए इनका जो आगमन है, नानक सागर गांव में
1517 साल पहले सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव के चरण पड़े थे। गढ़ फुलजर गांव में उन्होंने दो दिन जो है विश्राम किया था। विशेष क्या है, सिखों का प्रदेश में सबसे बड़ा तीर्थ स्थल के रूप में इसे विकसित किया जाएगा। राज्य के पाठ्य पुस्तकों में जो सिखों के जो आपके गुरु थे, गुरु तेग बहादुर सिंह, इनकी जीवनी को भी शामिल किए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा किया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जो नानक सागर गांव है यहां पर जितने भी घर है सभी के सभी आपके पिंक कलर यानी कि गुलाबी कलर से रंगे हुए हैं। यानी कि यहां पर यह दर्शाया बताया जा रहा है गांव में कि यहां पर कोई भी ऊंच नीच या जात पात का कोई भेदभाव नहीं है, सभी एक समान है। यहां पर जो है सभी की सभी स्वयं सेवा भाव से लगातार सफाई भी करते हैं। इस नानक सागर गांव को जो है कई बार आपको स्वच्छता पुरस्कार भी मिल चुका है। नानक सागर गांव में जो आपके क्राइम रिपोर्ट है यानी कि जो आपके FIR है ये अब तक जीरो है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखिएगा। देखिए कुछ जगहों पे बताया गया है कि ये तो फिलहाल नई दुनिया से उठाया गया आर्टिकल है। कुछ पुस्तकों में पढ़ने के लिए मिलता है कि जो गुरु नानक साहब जो है वो हरियाणा से बर्मा यानी कि म्यांमार की यात्रा में गए थे, फिर वापसी के दौरान उड़ीसा मध्य प्रदेश से होते हुए हरियाणा वापस पहुंचे थे। ठीक है, जबकि कुछ जगह लिखा हुआ है कि अमरकंटक से जगन्नाथपुरी की यात्रा के दौरान, प्रथम यात्रा के दौरान ही था, लेकिन अमरकंटक से जगन्नाथपुरी की यात्रा के दौरान गए थे। तो कौन सा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये याद रखना है कि गढ़ फुलजर जो है ये सिखों के सबसे बड़े तीर्थ के रूप में इसे विकसित किया जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, 80वें स्कॉच सम्मेलन 2022 जिसमें आपका NMDC को स्वर्ण और रजत पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है, ये जो आपका 80 नंबर का जो स्कॉच सम्मेलन है ये हुआ आपके दिल्ली में, जिसमें NMDC दंतेवाड़ा यानी कि नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इसे जो है सामाजिक दायित्व की श्रेणी में तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास संवर्धन परियोजना के लिए स्वर्ण पदक मिला है, जबकि डिजिटल समावेशन श्रेणी में ERP कार्यान्वयन के लिए प्रोजेक्ट कल्पतरु के लिए जो है इन्हें रजत पुरस्कार यानी कि सिल्वर प्राइज मिला है। ठीक है, केवल आपको याद रखना है कि जो आपका 80वें नंबर का जो स्कॉच सम्मेलन है उसमें किस संस्था को या किस निगम को स्वर्ण या रजत पदक मिला, तो वो है आपका NMDC। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका खैरागढ़ महोत्सव। खैरागढ़ नाम से स्पष्ट है कहाँ इसका आयोजन हुआ। इसका आयोजन हुआ आपका इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ में इसका आयोजन हुआ था। 4 दिवसीय आयोजन था, 27, 28, 29, 30 अप्रैल को इस आपके खैरागढ़ महोत्सव का आयोजन हुआ। इसे बताने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, बस डेट याद रखिएगा कि खैरागढ़ महोत्सव जिसका आयोजन 27 से लेकर के 30 अप्रैल को हुआ। बाकी आप डिटेल पढ़ सकते हैं कि किस किस दिन कौन कौन से कार्यक्रम हुए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस डेट को याद रखिए कि 4 दिवसीय आपका महोत्सव था जो कि खैरागढ़ के इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय में इस महोत्सव का आयोजन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट कुछ विविध है उसको थोड़ा सा ध्यान समझते हुए चलिए। देखिए, रेल इंडस्ट्रियल पार्क हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा दुर्ग जिले के भिलाई के हथखोज में आपके रेल इंडस्ट्रियल पार्क का उद्घाटन किया गया। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट प्रश्न बनेगा कि रेल इंडस्ट्रियल पार्क किस स्थान पर आपका है, तो यह है आपके हथखोज भिलाई में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एथेनॉल कारखाना। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा घोषणा किया गया है कि कोंडागांव और कवर्धा इन दो जिलों में आपके एथेनॉल कारखाने का संचालन प्रारंभ किया जाएगा। कोंडागांव में मक्के से जबकि कवर्धा में गन्ने से एथेनॉल का निर्माण किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वैसे भी जो आपके कोंडागांव है यहाँ पे मक्के की उपज सर्वाधिक होती है और कवर्धा में गन्ने की उपज सर्वाधिक होती है और इसी से यहाँ पर एथेनॉल का निर्माण किया जाएगा। पेट्रोल की कीमत जो है लगातार बढ़ती जा रही है, अभी एट प्रेजेंट पेट्रोल की कीमत लगभग 112 रुपए लीटर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि इस कारखाने से जो आपका जो एथेनॉल बनेगा वो 50 से 60 रुपए लीटर के आसपास जो है बेचा जाएगा। ठीक है, इको टूरिज्म पार्क अभी हाल ही में काफी चर्चा में रहा कि जो पीलखा पहाड़ है, पीलखा पहाड़ को इको टूरिज्म पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकता है कि पीलखा पहाड़ किस जिले में स्थित है, यह स्थित है आपके सरगुजा जिले में। नेक्स्ट देखिए, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल, ये काफी हाईलाइट में रहता है। स्वामी आत्मानंद आपका अंग्रेजी माध्यम स्कूल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा यहां पर जो है लगातार इस अंग्रेजी माध्यम स्कूल में इतने एडमिशन बढ़ रहे हैं कि सीटें कम पड़ रही है। अभी कुछ समय पहले जो है आपके अंग्रेजी माध्यम स्कूल में सीटों की संख्या थी 40,
ठीक है, 40 से बढ़ाकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इसे कर दिया था 50, इसके बावजूद भी सीट कम पड़ रहा है। तो अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा 50 और स्कूल इस सत्र में खोले जाने की घोषणा किया गया है। ठीक है, वर्तमान में टोटल 171 स्कूल स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल संचालित है और इस सत्र में 50 और स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जाने की घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा किया गया है। किरकिच, किरकिच क्या है? पीटवा लोहा से बना एक वाद्य यंत्र है, इसे याद रखिएगा। किरकिच एक वाद्य यंत्र है जो कि आपके धुरवा जनजाति के द्वारा बजाया जाता है। ठीक है, ये पीटवा लोहा से बना एक आपका वाद्य यंत्र है जिसमें एक पतली लोहे की छड़ी से घर्षण के द्वारा यह आपका वाद्य यंत्र बजाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ योग आयोग स्थापना। देखिए, हमारे छत्तीसगढ़ में जो योग आयोग का जो आपका स्थापना है ये हुआ था 25 अप्रैल 2018 को इसका स्थापना हुआ था। हाल ही में 25 अप्रैल 2022 को इसका पंचम स्थापना दिवस मनाया गया। डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकता है, डेट है, डेट याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। 25 अप्रैल 2018 को आपका छत्तीसगढ़ योग आयोग का स्थापना हुआ था। वैसे भी आयोग की स्थापना से बहुत एक सिंगल वन लाइनर प्रश्न बनते हैं, तो यह प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि इस बार जो है न्यूज में आया था कि छत्तीसगढ़ योग आयोग का जो पंचम स्थापना दिवस मनाया जा रहा है 25 अप्रैल 2022 को, यानी कि 5 साल पहले बना, तो कब है इसका, कब हुआ था इसका स्थापना? 25 अप्रैल 2018 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है उड़न गिलहरी। हाल ही में आपके बार नवापारा वन क्षेत्र में उड़न गिलहरी देखी गई। उड़न गिलहरी कैसे होती है? देखिए, नॉर्मल गिलहरी से अलग होती है। इसके जो आपके जो सामने के जो पैर है वो पीछे के पैर से कुछ इस प्रकार की संरचना होती है। जब ये गिलहरी, ये उड़ती नहीं है एक्चुअली, ऊंचाई से जब ये छलांग लगाती है तो इसके ये वाले हिस्से में आपके हवा भर जाते हैं जिसके कारण ये काफी लंबी दूरी तय करती है कूदने के दौरान, इसलिए इसे उड़न गिलहरी कहा जाता है। वैसे ही आपके उद्यंती सीता नदी वन क्षेत्र में गौर देखे गए हैं, गौर बहुतायत में देखे जा रहे हैं। ये जो गौर है ये वन भैंसे के जैसा ही दिखता है लेकिन उससे अलग है। ये इसका जो शरीर सुडौल होता है, काफी चौड़े होते हैं आपके वन भैंसे के कंपैरिजन में। गौर जिसे बायसन भी कहा जाता है, अभी हाल ही में उद्यंती सीता नदी वन क्षेत्र में ये बहुत ज्यादा देखे जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा आबादी में जो है ये देखे जा रहे हैं। नेक्स्ट है आपके माटी पूजन दिवस। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया जो कि अभी 3 मई को आ रहा है आपका अक्षय तृतीया, इस अक्षय तृतीया को माटी पूजन दिवस के रूप में मनाए जाने की इन्होंने घोषणा की है। इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। मार्डिन नदी किसकी सहायक नदी है पूछा जाए तो ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका मार्डिन नदी है ये इंद्रावती की सहायक नदी है जो कि नारायणपुर जिले से होकर गुजरती है। हाल ही में चर्चा में आई क्योंकि ये जो मार्डिन नदी है ये प्रदूषित हो रही है। प्रश्न डायरेक्ट पूछ सकता है कि मार्डिन नदी किसकी सहायक नदी है, तो मार्डिन नदी जो है ये इंद्रावती की सहायक नदी है जो कि नारायणपुर जिले में प्रवाहित होती है। इस बार जो है सिंगल वन लाइनर बहुत से इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसे एक एक करके हम चर्चा कर रहे हैं। देखिए, जो शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कोरबा में जो आपका शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय है उसका नाम परिवर्तित करके स्वर्गीय बिसाहूदास महंत स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय कोरबा कर दिया गया है। स्वर्गीय बिसाहूदास महंत जो कि चरणदास महंत जी के पिताजी है, ठीक है, उनके नाम पर जो है आपका इस महाविद्यालय का नाम रखा गया है। नेक्स्ट देखिए, प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 लोक प्रशासन के क्षेत्र में, लोक प्रशासन के क्षेत्र में आपका प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है IAS सोनमणि बोरा को जो कि छत्तीसगढ़ कैडर व भारत सरकार के संयुक्त सचिव है, जिन्हें लोक प्रशासन क्षेत्र में प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देखिए, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की ओर से नेशनल क्रिकेट अकादमी अंडर 19 वर्ग का छत्तीसगढ़ के 2 क्रिकेटर दीपक यादव और मयंक वर्मा का चयन हुआ है। ठीक है, इन दोनों का भी नाम याद रखिए, क्रिकेटर है जो कि नेशनल क्रिकेट अकादमी अंडर 19 वर्ग के लिए दीपक यादव और मयंक वर्मा का चयन हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में आपकी कैबिनेट के द्वारा यह स्वीकृति दी गई है कि सतरेंगा, गंगरेल और आपका चित्रकूट यहां पे बजट होटल का निर्माण किया जाएगा पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए, पर्यटकों की सुविधा के लिए बजट होटल का कॉन्सेप्ट लाया गया है और ये बजट होटल की स्थापना की जाएगी सतरेंगा, गंगरेल और चित्रकूट में। इसके अलावा खैरागढ़ के तर्ज पर, यानी कि खैरागढ़ में जो इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय है उसके तर्ज पर सरगुजा, बस्तर और रायपुर में लोक कला एवं संस्कृति महाविद्यालय की भी स्थापना किया जाएगा, इसकी भी घोषणा की गई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जाएगा कि लोक कला एवं संस्कृति महाविद्यालय की स्थापना किन जिलों में किया जाएगा या किन क्षेत्र, किन स्थानों में किया जाएगा, तो सरगुजा, बस्तर और रायपुर में। नेक्स्ट, कांगेर घाटी नेशनल पार्क में जो कुटुमसर की गुफा, अभी हाल ही में हमने देखा था कुटुमसर की गुफा के बारे में डिटेल पढ़ा, कुटुमसर की गुफा, कैलाश, झुमरी, मादरकोंटा, शीत गुफा, देवगिरी गुफा के जैसे कई भूमिगत गुफाएं हैं। देखिए, ये बताने का मतलब क्या है,
प्रश्न जो है गुफाओं से भी पूछ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा कि कांगेर घाटी नेशनल पार्क में कुटुम्बसर के साथ साथ कैलाश झुमरी, मांदरकोटा, शीत गुफा और देवगिरी गुफा भी मौजूद है, जो कि भूमिगत गुफाएं हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, देखिए भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम 21 दिवस टीबी मुक्त भारत अभियान में, जो कि 24 मार्च से लेकर के 13 अप्रैल तक इसका आयोजन हुआ, के अंतर्गत राज्य के सभी हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों में टीबी संबंधी स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ राज्य को 5 करोड़ से कम आबादी वाले राज्यों में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। बस याद रखिएगा, 21 दिवसीय टीबी मुक्त भारत अभियान में 5 करोड़ से कम आबादी वाले राज्यों में छत्तीसगढ़ राज्य को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये जो कुछ सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन थे, इस बार जो है करंट अफेयर बताने के लिए कुछ ज्यादा डिटेल करने के लिए थ्योरेटिकल पोर्शन जो है काफी कम था, सिंगल वन लाइनर बहुत सारे थे जिसे हमने कवर कर लिया। तो इस प्रकार से आपका छत्तीसगढ़ करंट अफेयर 15 से लेकर के 30 अप्रैल यहीं पर समाप्त होता है। किसी प्रकार डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, धन्यवाद। और हाँ, हमारा जो छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का जो स्पेशल बैच जो है ये 15 मई से शुरू होने वाला है, उससे पहले जाकर के आप CGPSC ई पाठशाला के मोबाइल ऐप में अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। 14 अप्रैल को रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा।